हेलो दोस्तों, आज जो हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेटेड टू फाउंडेशन कोर्स पार्ट टू, जो सेमेस्टर टू में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं। उससे पहले ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के वीडियो बना दिए हैं और मैंने उसमें बताया भी था कि मैं दो या तीन चैप्टर्स के ऊपर मैं नोट्स मतलब जो रहेगा वीडियो बना दूंगा, और इसका जो नोट्स रहेगा वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, वहां से आप जाके क्या कर सकते हो, देख सकते हो, जिससे आपको बहुत ईजी रहेगा, स्टडी में हेल्प हो जाएगा। तो आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर जो था दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन सोसाइटी, जो फर्स्ट चैप्टर था, और ये चैप्टर से देर आर तीन क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन था LPG दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एज वेल एज ग्लोबलाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन था कॉर्पोरेट फार्मिंग, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो था माइग्रेशन एंड देयर कॉसेस। तो ये जो तीन क्वेश्चन में से कंपलसरी दो क्वेश्चन पूछता है, वन क्वेश्चन कैन बी आस्क फॉर शॉर्ट नोट एंड वन क्वेश्चन कैन बी आस्क फॉर 7 to 8 marks, ये कंपलसरी। तो तीनों टॉपिक्स जो रहेगा मैं अलग अलग तीनों वीडियो में अलग थ्री वीडियोज जो रहेगा एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। सो आई विल मेक अ थ्री सेपरेट वीडियो, जिससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन सोसाइटी के ऊपर। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक जैसे मैंने बताया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये स्टार्ट करने से पहले आप समझिए जो LPG होता है ये, इसको हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोलते हैं और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ आफ्टर 1991। तो आप बता सकते ये क्यों LPG क्यों लाया गया था, इसका एक रीज़न ये था कि हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व थे वो क्या थे, बहुत कम हो गए थे कंट्री की इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो स्टेप्स लेना ही था, तो ही हैज़ मतलब गवर्नमेंट हैज़ टेकन दी डिसीजंस। और उस टाइम पे नरसिम्हा राव वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड मनमोहन सिंह वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री उस टाइम पे थे। तो उन्होंने ये डिसीजंस लिया था, और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो पॉलिसी लिटरली पूरे इकोनॉमिक्स, अगर आप 10th 5-year plan अगर आप देखोगे तो 10th 5-year plan में उसमें जो अगर आप पीरियड 9th और 8th 5-year plan देखोगे उसमें इकोनॉमिक्स रिफॉर्म जो हुआ था बहुत ज़्यादा चेंज हुआ था। 5.8 से लेके 6.8 या 5.6 से लेके 6.8 तक इंप्रूवमेंट्स हुआ था, जो टारगेट रखा था इकोनॉमी ने, और उस टाइम पे इकोनॉमी का ग्रोथ भी हुआ था। तो LPG मतलब अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि क्यों ये लेके आ गया था LPG, जस्ट बिकॉज ऑफ वी हैव द लेस फॉरेन रिजर्व टू मैनेज द कंट्री और मैनेज द इकोनॉमी। तो इसके लिए एक नया स्टेप है LPG, जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जानते हैं इन 1991। ये सब आप बोल रहे हो कि मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग आंसर यू कैन इंक्लूड दीज क्वेश्चन। सो ये क्या हो जाएगा कि आपको उससे पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि आपको प्रॉपर आंसर पता है और आप प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं LPG के बारे में देखते हैं। L दैट इज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या हुआ था, सिंपल कीप इट शॉर्ट, लिबरलाइजेशन मतलब होता है फ्रीडम। अब यहाँ पे किस टाइप का फ्रीडम था, सो इस टाइप का फ्रीडम था कि जो भी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थे, लाइसेंसिंग पॉलिसी था जो इंडस्ट्रीज के लिए, वो क्या कर दिया इन्होंने, रिमूव कर दिया। क्या कर दिया, रिमूव। सो हाउ यू लाइक लिबरलाइजेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ द लिबरलाइजेशन द रजिस्ट्रेशन और द लाइसेंसिंग पॉलिसी हैज़ बीन अबॉलिश, सो दैट इट बिकम वेरी इजी टू सेटअप एन इंडस्ट्री। ओके, एक्सेप्ट 6 industries, मतलब कुछ ऐसे इंडस्ट्री थे जिसके लिए स्टिल लाइसेंस आपको चाहिए, जैसे अल्कोहल है, तंबाकू है, या डी फार्म मतलब मेडिसिंस का है, और फिर केमिकल का है, कुछ ऐसे जो है उसमें स्टिल आपको लाइसेंस चाहिए रहता है, बट अदर देन दैट यू डोंट नीड अ लाइसेंस। अब इसमें क्या होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ईजी बना दिया गया और नॉर्मल ईजी कर दिया, तो इससे क्या हो गया कि इंडस्ट्री आप सेटअप कर सकते हो। हाँ, इसमें ये भी लिखा गया है कि मतलब अगर एक सिटी है, अगर वहाँ पे 1 million लोग रहते हैं तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते। हाँ, आपको सेटअप करना है तो 25 kilometers दूर, और आप ऐसे जगह स्टार्ट करो जहाँ पे क्या हो, मतलब वहाँ पे लोग ज़्यादा ना रहते हो, जिससे इफेक्टेड ना हो, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें लिबरलाइजेशन इंडस्ट्रियल पॉलिसी में डिस्कस किया गया है। अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, तीन से चार मेन ऑब्जेक्टिव था। एक पहला था डी लाइसेंसिंग पॉलिसी, जो मैंने बताया कि जो लाइसेंस चाहिए रहता था इस सेटअप के लिए, वो सारी चीज़ क्या कर दी, अबॉलिश, रिमूव कर दिया गया। मतलब अब अभी आपको क्या चाहिए, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है सेटअप करने के लिए। फिर उसके बाद FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप ग्लोबलाइजेशन में भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो। मतलब क्या हो गया कि
इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में बहुत सारे, मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि FDI भी इन्वेस्टमेंट हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से क्या हो गया, हम इंपोर्ट भी करने लग गए एज वेल एज एक्सपोर्ट भी करने लग गए। लिबरलाइजेशन होने के कारण हमारा जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो गया, सो वी एक्सचेंज, हम लोग क्या करने लगे, एक्सचेंज प्लस हमको प्रोडक्शन के लिए मशीनरी का रिक्वायरमेंट होता था, सो वी इंपोर्ट दैट सर्विसेज फ्रॉम दी अदर कंट्री। फिर आया फॉरेन टेक्नोलॉजी, यस फॉरेन टेक्नोलॉजी मतलब क्या हो गया कि अगर कोई इंडस्ट्रियल सेटअप हो रहा है इन आर कंट्री फ्रॉम अदर कंट्री, सो दे विल एक्सचेंज, देर इज़ अ एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे एग्जांपल के तौर पे, लेट्स एग्जांपल, आप सपोज अमेरिका इज सेट कुछ सेटअप कर रहा है अपने इंडिया में कोई प्लांट, सो देर विल बी एक्सचेंज ऑफ द टेक्नोलॉजी, इवन अगर कंट्री प्रोडक्शन, इसको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, एक होता है टॉपिक जब ओसी में, आप ओसी में रहता है 11th के ओसी में, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे दो कंट्री का होता है मिलकर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करते हैं वहाँ पे, जहाँ पे कम कॉस्ट में होता है। सो क्या होता है कि अगर कोई सेटअप होता है तो टेक्नोलॉजी विल बी एक्सचेंज, हैंस इट इज़ कॉल्ड एज फॉरेन टेक्नोलॉजी का बेनिफिट हो जाता है कंट्री को। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता है converting the public sectors to the private sectors, that is called as disinvestment। और आप दूसरे language में बोल सकते हो, disinvestment मतलब होता है selling the मतलब private, selling the public equity to the private sectors और individuals, that is called as disinvestment। मतलब क्या हुआ, liberalization की वजह से कुछ sectors का जो industrial sectors थे जो monopoly थे, मतलब सिर्फ उनको ही दे रहा था government या जो particular चीज़ को, वो monopoly हटा के क्या कर दिया, इनको privatization कर दिया, मतलब private में भी sell हो गया, तो इससे क्या हो गया, monopoly remove हो गया, जिसकी वजह से market better हो गया, quality improvement हो गया, job opportunity हो गया। फिर उसके बाद आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है एक प्रोसेस जहाँ पे स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस क्या रहता है, बहुत कम रहता है। व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज सेंट्रल, सेंट्रल इज इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टेट इज अ पर्टिकुलर स्टेट, रिस्ट्रिक्टेड टू स्टेट वाइज। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टेट एज वेल एज जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट था वो क्या हो गया, लेस हो गया, सो दैट बिकम द प्राइवेटाइजेशन। सो प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो कुछ सेक्टर्स थे दैट इज गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर्स, तो अब मैनेज कौन करता, प्राइवेट सेक्टर्स। तो उससे बेनिफिट क्या होएगा कि डी रिजर्वेशन पॉलिसी, व्हाट इज डी रिजर्वेशन पॉलिसी, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक रिजर्वेशन होता है कि भाई आप ये इसके लिए इतना रिजर्व है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, जैसे गवर्नमेंट का जो सेक्टर था, रिजर्वेशन सिस्टम था, वो क्या कर दिया, यहाँ पे रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज हुआ, और प्राइवेट सेक्टर जब इंक्रीज हुआ सो क्वालिटी एज वेल एज जॉब इंप्रूवमेंट्स, मतलब जॉब जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया। यहाँ पे भी डिसइन्वेस्टमेंट बोला है, सो अब यू कैन जस्ट वही एक्सप्लेन कर सकते हो कि डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता है पब्लिक जो इक्विटी था वो प्राइवेट में सेक्टर कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। इसके आप और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आप लिख सकते हो कि जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी या कुछ अलग से फेम आए एक दूसरा, आप बुक में भी रेफर करना है, मैं नोट्स में मेंशन कर दूंगा, लिंक में जाके देख लेना। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है कि एक ऐसा मार्केट क्रिएट करना जहाँ पे बाउंड्री लेस, मतलब वहाँ पे बाउंड्री लेस होना चाहिए, मतलब कोई बाउंड्री नहीं होना चाहिए। यू इट इज़ अ प्रोसेस वेयर यू आर entering into the foreign market or making the world market, एक ऐसा economy आप बना रहे हो जहाँ पर क्या होता है borderless economy है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, globalization। globalization मतलब एक ऐसा market जहाँ पर पूरे world के अलग अलग country they are selling their goods और exchanging, that is what globalization। तो आप globalization में आप अपने हिसाब से भी example explain कर सकते हो, कोई problem है। globalization होने के कारण से first जो हमारा benefit होता है, that is trade relation। तो ट्रेड रिलेशन क्या हो जाएगा, हमारा अच्छा हो जाता है, मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम सेलिंग कर रहे हैं एक दूसरे कंट्री से, तो हमारा ट्रेड रिलेशन अच्छा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा दोनों कंट्री का बेनिफिट होता है। अगर हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं सो वी विल गेट बेनिफिट फ्रॉम आर कंट्री एंड देयर कंट्री ऑल्सो, दोनों कंट्री का बेनिफिट होता है। और FDI, यस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफकोर्स इंक्रीज होता है। एक्सपोर्ट, जाहिर सी बात है अगर हम लोग ग्लोबलाइजेशन है तो एक क्लोज इकोनॉमी रहता है, तो क्लोज इकोनॉमी में नहीं कर सकते, लेकिन ग्लोबलाइजेशन हुआ मतलब ओपन इकोनॉमी हो गया, तो जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीली गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज कर सकते हैं। फेमा, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये क्या हुआ था, रिमूव करके, मतलब कुछ 1973 का एक अलग से एक्ट था, उसको हटा के ये फेमा एक्ट लाया था, जिसकी वजह से जो फंड का जो फ्लो था मार्केट में, ग्लोबलाइज ग्लोबल मार्केट में, वो इजीली क्या हो जाए, फ्लो हुए, इसके लिए ये एक्ट लेके आया था। सो दिस इज़ व्हाट द अबाउट द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एज वेल एज ग्लोबलाइजेशन। मैं थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन किया था ताकि आपको शॉर्ट में समझ में आ जाए, आई होप सो कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया रहेगा। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँगा। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया है, कमेंट करके, प्लीज़ कमेंट करके आप बताओ मुझे, सो दैट आई विल गेट टू नो व्हाट इज़ द फीडबैक। सो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा मैं और ट्राई करूँगा सारी चीज़ें ऐड करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।